Assalamu alaikum, dear students of class 9. We are reading A Basketful of Sea Trout. Today we will read the sixth part of this lesson. My dear students, this play is full of suspense. There are many characters in this play. <coughs> Scottish judge, Lord Fintron, William Brodie, Scottish landlord, Jane Lomond, a peasant woman, is here, and Colonel Lonely Elettice, Chief Constable. चीफ कांस्टेबल जो है वो फिफ्थ पार्ट में एंटर हुआ है वो इन दो इन दोनों को बता रहा है किसके बारे में मिस लोमोंड के बारे में कि उसके उसका कत्ल हो गया है और उसकी जो डेड बार बॉडी है वो साहिल समंदर पे पाई गई आफ्टरनून को और ये दोनों दंग रह जाते हैं क्योंकि वो अभी हमारे साथ है वो कहाँ गई वहाँ पे नाउ वी विल रीड द पार्ट नंबर सिक्स ऑन वन पेज नंबर ट्वेंटी वन नाउ लेट्स नो तो जज बताते हैं कर्नल से वो इस टाइम हमारे रूम में है कर्नल amazed वो हैरान होता है इन दैट रूम आपकी कमरे में ही टर्न टू दौर वो दरवाजे की ओर मुड़ जाता है जज तो ब्रूडी जज ब्रूडी से कहता है विल यू आस्क हर टू कम इन क्या उसे कहोगे कि आप अंदर आ जाओ ब्रूडी गोस आउट एल वो एल की ओर चला जाता है एल से बाहर आता है कर्नल I have never known सोटा so to go wrong before. मैंने कभी ऐसा नहीं सुना ना ऐसा मैंने जाना कि गलत ख़बर दी किसने स्यूटर ने आर यू श्योर आपको यकीन है ब्रोडी ऑफ वो चला जाता है मिस लोमोड मिस लोमोड वो मिस लोमोंड को मतलब बुलाता है मिस लोमोंड जज ऑफ कोर्स आई एम श्योर मैं यकीन के साथ कहता हूँ मिस लोमोड हमारे साथ कल रात को बात कर रही थी वो यहीं पे है हमारे कमरे में कर्नल हु हैज टर्नड एल जो एल की ओर मुड़ जाता है एंड इज़ लिसनिंग और वो सुनता है शी इज़ नॉट देयर नाउ और यही सुनता है कि वो यहाँ नहीं है ब्रूडी रे एंटर ब्रोडी फिर से दाखिल होता है शी इज नॉट इन द रूम वो कमरे में नहीं है विदाउट अ वर्ड द जज क्रॉसिस एंड गोज आउट एल वो कोई लफ्ज़ कहे बगैर एल की ओर चला जाता है ब्रोडी सिलोली गोज आर और वो भी कहाँ जाता है आर की तरह जाता है डोर्स की तरह जाता है जज आप जज खड़ा होता है मिस लोमोंड मिस लोमोंड मिस लोमोंड वो पुकारता है मिस लोमोंड आप कहाँ हो कर्नल स्माइल्स डिस्क्रिटली वो हंसी वो हंसता है जस, जज स्लोली रे एंटर्स जज धीरे धीरे अंदर वापस दाखिल होता है ही लुक्स एट द टू मैन वो इन दो आदमियों को देखता है शी हैज गॉन और कहता है कि वो चली गई है ही स्लोली ओपन सी डोर वो सी डोर आहिस्ता आहिस्ता खोलता है कॉलज शी वाज हियर जस्ट नाउ वो अभी अभी यहाँ पे थी अब पता नहीं वो कहाँ चली गई ब्रोडी शी talked टू अस अबाउट द मर्डर वो हमारे साथ कत्ल के बारे में बात कर रही थी We asked हर टू गो इन टू दैट रूम हमने उसे कहा कि आप उस कमरे में चले जाओ बिकॉज ही स्टॉप शॉर्ट क्योंकि ये मुख्तसर कमरा है जज बिकॉज शी मेड स्ट्रेंज एडमिशन उस जब वो अंदर आ गई उसने जो दाखिला लिया एंट्रांस उसने की वो अजीबोगरीब गरीब थी कर्नल यस बट शी वॉज नॉट हेयर टू नाइट लेकिन वो आज रात यहाँ नहीं थी ब्रोडी वाइडली बड़ी हैरानी के साथ वी है टॉकिंग टू हर जस्ट बिफोर यू केम कम केम जो ही आप यहाँ आ गए उससे पहले हम उसके साथ बात कर रहे थे पुलिंग हिम सेल्फ टुगेदर उसने अपने आपको इकट्ठा कर दिया मतलब ये जो ये जब कोई अपने आप को इकट्ठा करता है मतलब श्योरनेस होती है टू बी श्योर अभी हम इसने अभी हम उसने उसको यहाँ पाया आई मैं वर्ड में आपको अपने अल्फाज देता हूँ हम उसके साथ बात कर रहे थे आपसे आने से पहले Colonel, raises, वो खड़ा होता है डिड शी एट द फ्रंट डोर क्या उसने फ्रंट दरवाजे पे दस्तक दी जज नो no, नहीं कर्नल द फ्रंट फ्रंट डोर क्या जो दरवाजा फ्रंट जो दरवाजा था अगवाड़े का जो दरवाजा था क्या वो बंद था आई कांट रिमेंबर जज कहता है मुझे याद नहीं ब्रूडी अनईजिली आई थिंक इट वॉज इट वॉज बोल्टेड अन ईजीली मतलब जिसमें कोई दिलचस्पी नहीं हो मुझे लगता है कि वो बंद था कर्नल, हाउ डिड शी गेट इन फिर वो अंदर कैसे आ गई सपोजिंग द डोर वॉज बोल्टेड चलो दरवाजा बंद था फिर अंदर कैसे आ गई वो जज आई कॉन्ट टेल यू मैं आपको कुछ कह नहीं सकता बट वो यहाँ थी ब्रूडी कैन ब्रूडी कैन कॉरपोरेट ब्रूडी तस्दीक करता है मोस्ट सर्टनली ब्रूडी कहता है गालिबन वो यहां थी मैं तस्दीक करता हूँ यहीं पे थी हम झूठ नहीं बोलते हैं टर्न द पेज माइडियर नल इट इज इम्पॉसिबल शी शुड हैव बीन देयर ये नाम नामुमकिन ना की बात नामुमकिन की बात है वो यहां थी ब्रोडी शी वाज हियर आई सिवियर मैं कसम खाकर कहता हूँ वो यही थी कर्नल अगेन सोमाइल वो फिर से हंसता है सिट, जज सिट्स डाउन एंड चेयर क्लोज टू कर्नल वो नीचे बैठता है और अपनी कुर्सी क्लोज लेता है कर्नल के साथ कर्नल एल्टाइस डू यू थिंक आई एम ड्रंक क्या आपको लगता है मैंने शराब पी है मैं झूठ बोल रहा हूँ कर्नल ऑफकोर्स नॉट बेशक नहीं अपने शराब तो नहीं पी है जज एंड व्हाट अबाउट आवर फ्रेंड्स ब्रूडी और ब्रांड के और ब्रूडी के बारे में आपकी क्या राय है क्या सोचते हो क्लीन शीट वो भी साफ़ है उसने भी शराब नहीं पी है वो भी ठीक है जज यू हैव नोन मी फॉर समयर्स आप मुझे सालों से जानते हो कर्नल हैव यू एवर सीन इन मी एनी साइनज ऑफ मेंटल इंस्टेबलिटी क्या आपने कभी मुझे अपने कैरियर में मेंटल इंस्टेबिलिटी देखी मतलब मेरा जो तोजुन है वो कभी बिगड़ गया, गया है ये कभी आपने देखा ये कभी आपने देखा मुझे कर्नल बताता है यू हमने हमेशा आपको देखा लॉर्ड फंडरान एज वन ऑफ आवर बेस्ट एंड सेंज जज लॉर्ड फंड्रॉन हमने आपको हमेशा से पाया सहील हवास मतलब आपके जो हवास है वो अच्छे से काम करते हैं फंडरान साहब हमेशा हमने आपको अच्छा इंसान पाया सही हवास मीन सेंसेस्ट पर्सन हमने आपको पाया सेंसेस्ट जज जज कहता है वुड यू डिस्क्राइब आप बयान कर सकते हो मी एज ए नॉर्मल मैन एक आम इंसान की तरह मुझे आप कैसे बयान कर सकते हो कर सकते हो इनकलाइनड बोथ बाई लीगल ट्रेनिंग जो कानूनी तरबियत की तरफ माइल है मैं हमेशा कानूनी तरबियत की तरफ माइल होता हूँ आप मुझे आम इंसान से बयान कर सकते हो एंड टेम्परामेंट टू रिजेक्ट द मरेकलस जो ये मतलब मख्तसर तरीके से जो क्या होता है ये जो मरैकलस होते हैं मतलब चमत्कारी होते हैं एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स बाकी बाकी चीज़ों से मतलब बाकी बाकी भी चीज़ों बाकी बाकी बाकी, बाकी भी चीज़ होते हैं आप इस चीज़ को मरैकल नहीं कह सकते हो कि मैं ये कहूँगा आपको मैंने मिस को यहाँ पे देखा कर्नल कहता है सटनली यकीनी तौर पर जज एंड वट अबाउट ब्रूडी और ब्रूडी के बारे में क्या सोचते हो कर्नल वेल आई हैव नोन ब्रूडी एज लॉन्ग एज यू मैं आप मैं वेल आई हैव नॉट नोन ब्रूडी एज लॉन्ग एज यू मैं ब्रूडी को जान ज्यादा नहीं जानता हूँ जितना मैं आप आपको जानता हूँ मतलब मेरी जान पहचान आपसे ब्रूडी आपसे ज्यादा मतलब मेरी जान पहचान जो है वो बहुत ज़्यादा है ब्रूडी से बट आई शुड से लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दैट हिज़ वार रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इट सेल्फ उसकी जो जंगी रिकॉर्ड है अपने आप में अपने आप में एक बात है उसके जो जंगी रिकॉर्ड है वो अपने आप में एक मख्तसर बात है ब्रोडी आई हैव सीन एनफ रियल हॉरर्स विदाउट हैविंग टू इन्वेंट यानी मैंने बहुत से ऐसे क्या देखे हैं रियल हॉरर्स मैंने देखे हैं बिना ईजाद किए बगैर मैंने रियल हॉरर भी देखे है बिना ईजाद किए बगैर कार्नल क्वाइट सो ऐसा ही है ओनली पर हैड a ब्रीफ नैप आफ्टर डिनर मुझे लग रहा है जब आपने शाम का खाना खाया तो आपको थोड़ी नींद आ गई होगी जज नो आई नेवर डू नैप आफ्टर ए मील मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ मुझे कभी भी नींद नहीं आती है जब मैं खाना खाता हूँ तो कर्नल साहब बताते हैं ब्रोडी बताते हैं एंड आई वॉज़ पर्टिकुलरली वाइड अवेक टू नाइट और मैं ख़ास तौर पर पूरी रात जाग, जागा हुआ था मैंने नींद भी नहीं की कर्नल, बट समाइम क्यूर फैंसिस एजेल द माइंड लेकिन कभी कभी हैरत इंगेज़ ख्वाब इंसान को घेर लेते हैं एंड इवन वन वन इज़ वाइड अवे जब एक इंसान रात को होशियार हो जाता है तो हैरत इंगेज़ ख्वाब जो होते हैं वो इसको घेर लेते हैं ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है फैंसिस जिसे हम बोलते हैं ब्रोडी बट बोथ ऑफ अस कर्नल लेकिन हम दोनों ने देखा हमने मिसलोम को देख लिया कर्नल वट डिड दिस वन डू एंड से इस वूमेन ने क्या किया और क्या कहा आई गैदर शी केम इन टू द रूम विदाउट एनी वार्निंग मैं यही समझ लेता हूँ मैंने ये बात इकट्ठी कर दी वो आपके रूम में आ गई है और उसने कोई अल्फाज भी नहीं कहा है ये मैं कह सकता हूँ मतलब वार्निंग भी नहीं दी नॉक भी नहीं किया वो डायरेक्टली आपके रूम में आ गई my dear students this was the sixth part of your lesson inshallah rahman inshallah rahman tomorrow we will proceed to next part of your lesson and display will be clear thank you my dear students have a nice day